राष्ट्रीय इंद्रधनुष की मंडल की टीम ने एक ज्ञापन सीओ सेकंड जी को दिया गया है, उसके उपरांत हमने कार्रवाई की मांग की है। जैसा कि 10/7/2020 को हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें नगर निगम के निगम पार्षद सद्दाम हुसैन, जिन्होंने महाकालेश्वर मंदिर पर टिप्पणी करते हुए बोला था कि महाकालेश्वर मंदिर आतंकवादियों का अड्डा है, इस चीज़ को देखते हुए हिंदू धर्म के लोगों, सनातन धर्म के लोगों के बीच आहत पहुंची, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके उपरांत 72 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक सद्दाम हुसैन की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके उपरांत आज हमने सीओ साहब को चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके बाद राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी का प्रत्येक कार्यकर्ता रोड पर उतर जाएगा और सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की मांग करेगा। क्या नाम है आपका? शरद सारोसत। क्या पता? प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी। अभी राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के कुछ सदस्यों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। पूर्व में जो सद्दाम हुसैन बसपा के पार्षद हैं उनके खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, उन्हीं की गिरफ्तारी के संबंध में इन लोगों के द्वारा अभी ये ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में अभी उच्चाधिकारियों को मेरा द्वारा अवगत करा दिया जाएगा और जो भी आवश्यक और सुसंगत कार्रवाई होगी वो संबंधित थाने द्वारा कराई जाएगी।